आप बता दीजिए क्या है इसका, कि आपका स्टॉक रूम है? जी ये हमारा स्टॉक रूम है, जहाँ माल रखते हैं ये सर। ट्राउजर है सेम मैचिंग वाला, कपड़ा आते हैं जो डाई हो के वो है रखा हुआ है सारा। ये अभी पूरे पूरे साल पड़े हुए हैं। एक कॉटन की है, एक कॉटन वगैरह जी, वो नीचे मशीन ये इधर कटिंग एरिया है, इधर हम लोग कपड़े वगैरह काटते हैं इधर से। और आपको दिखाते हैं ये इससे ना बल्क क्वांटिटी में कटिंग करते हैं, आपको भी चला के दिखाएंगे इससे वो कटिंग करते हैं। यहाँ सर वो कपड़े की सिलाई होती है मास प्रोडक्शन में। इधर ऊपर वाले फ्लोर में फैंसी कपड़े होते हैं। ठीक है जी, ये सारे प्रेस हुए पड़े हैं, ये अवर लॉक होते हैं। अच्छा वो जो साइड से लेसे हैं हमारा जी, अच्छा जी लेसे लग रही है, आप देख रहे हैं इधर से आ रहा है कपड़ा। जैसा आप लोगों ने देखा अभी हम लोगों ने आपको दिखाया कपड़े का बनने का प्रोसेस, अभी ये जो फैक्ट्री है वो जब कपड़ा मन के डाई हो के आ जाते हैं उनके पास, उसके बाद से जो प्रोसेस होता है डिजाइनिंग का, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं इसको सिलने का वगैरह, उसका ये प्रोसेस है। ये मतलब डाइंग और कपड़े बनने के बाद जो प्रोसेस है वो सारा इस तरह का। अभी डिज़ाइनर वाला ऑफिस जहाँ वो डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर में वो बल्क कर रहे हैं, अभी हम लोग आपको नीचे जो डिज़ाइनिंग करने की और जो कढ़ाई करने की मशीनें होती हैं वो भी अभी दिखाते हैं, लेकिन बिजली गई हुई है तो इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं, अभी इंशाल्लाह आती है तो दिखाते हैं। और ये जो आप ऊँची आवाज़ सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, ये जनरेटर की है, जैसे पाकिस्तान है और बिजली जाती रहती है तो ये जनरेटर चलता है। ठीक है, ये हमारे जो कॉटन के पीस आते हैं ना जो बनते हैं, ये इधर कढ़ाई होते हैं, और जो फैंसी वाले हैं वो इस साइड होते हैं। ये मशीन और ये वर्कर है जो ये मशीन चला रहे हैं, इसका ड्यूटी पर है। आगे जाके बात चले थे इधर जी, कढ़ाई हो रही है, जो डिज़ाइनिंग होती है वो जो ऊपर स्टोर रूम में कपड़ा पड़ा था ब्लैंक, तो ये सारी डिज़ाइनिंग होती है। बिजली आ गई है तो ये भी दोबारा शुरू हो। सारी इसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो सारी ना इनमें अंदर कोड होता है उसकी वजह से चलती है। और आप इस तरह मैं आपको दिखाया है, इस तरह सारी वो जो फैंसी की होती है और ये इस वक्त जो फैंसी कपड़ों की इस तरह आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड से हो रहे हैं। ये पूरा डिज़ाइन है यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। ये डिज़ाइन बात रहे आज़ादी में जी, ये मशीन है। ये बता, ये बता रहे हैं कि कैसे होएगा जी, इस पर री प्रोग्रामिंग होती है और वो
अभी आपको देख मिल चुका है, तो ये हम पूरा इस पर कस कपड़े पे डिजाइन, ये जो मशीन है ये सेल हो गई है तो इसलिए बंद है, ये तो इनको नहीं चला रहे अभी, वो दो चला रहे हैं सर। दूसरा पड़ा हुआ था ये मशीनों के अंदर की फंक्शन के लिए होती हैं, पता तो नहीं चल रहा है ये। तो ये था एक्सपीरियंस पूरे फैक्ट्री का जो आप लोगों ने देखा। तो इसका बेसिकली ये जो फैक्ट्री में होता है, इनिशियली जब कपड़ा मन के उठाए होके आता है फैक्ट्री, इधर आता है फैक्ट्री में, और उधर फिर ये कढ़ाई होती है, उसके बाद सॉरी कपड़ा राफ रूम में पहले स्टोर होता है, स्टोर रूम में जो आप लोगों को दिखाया, फिर कढ़ाई होती है उसके ऊपर सारी, फिर उसके बाद पीसेस में काटा जाता है जो बनाने के लिए नेसेसरी होते हैं, और वो जो कटर से मैं आप लोगों को हम लोगों ने मैंने जो दिखाया था कटर से, फिर काटा जाता है उसको, फिर सिलाई करते हैं ये मैनुअली लोग सारे बैठ के, और फिर उसके बाद मतलब इस्त्री हो के पैकेट में डाल हो के रेडी हो जाता है से आगे रिटेलर्स और सेलर्स को देने के लिए जो शॉप्स खोल के बैठे होते हैं। तो ये थी वीडियो आज की, उम्मीद है आप सबको पसंद आई थी, फिर आपको देखते बाद में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।